गरियाबंद जिले की शराब दुकानों में नकली नोट खपाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गरियाबंद पुलिस फिलहाल शराब दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और शराब वितरण की व्यवस्था देख रही। कंपनी ने गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित कमले को शिकायत कर कहा कि दो शराब दुकानों में 100 और 200 के नकली नोट खपाए गए हैं, जिनकी जानकारी आबकारी विभाग द्वारा दिए जाने के बाद जिले के एसपी अमित तुकाराम कांफले ने नकली नोट मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये जो गरियाबंद में शासकीय मदिरा दुकान है, वहाँ से वहाँ के मैनेजर ने जो है आकर के हमको रिपोर्ट दर्ज कराया कि कुछ जो है नोट हमको प्राप्त हुए हैं, जो जाली नोट है करके, उसकी जो है प्रारंभिक जांच की गई और उसके बाद जो है इसमें एक 489 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे जो है हम इसमें खोजबीन करेंगे, बैंक से ही पतासाजी करेंगे कि ये जो जाली नोट है किस प्रकार का इसका सोर्स हो सकता है और साथ ही साथ इसको मदिरा दुकान में कौन लाया, इसके लिए जो सीसीटीवी खंगा लेंगे और साथ ही जो है वहाँ के कर्मचारियों से भी पूछताछ करके आगे इसमें जांच की जाएगी। जो भी है इसमें इस नोट को जो भी यहाँ पर लेके आया है उस पर जो है पहुँचने का पूरी जो है कंटिन्यू प्रयास कर रही है और इसमें